जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, रिटायर्ड सीनियर बैंक ऑडिटर पेशे से वकील। आज मैं सीपीसी की धारा 151 के बारे में बात करूंगा। सिविल मामलों में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली धारा 151 ही है, जिसके अंतर्गत न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति प्रदान की गई है। यह धारा अन्य धाराओं आदेश नियम के साथ जोड़कर पेश किया जाता है। यह धारा अदालत को वह सारी शक्ति प्रदान करती है जो न्याय की प्राप्ति और अदालत में कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए आवश्यक है। अदालत को प्राप्त अंतर्निहित शक्ति बहुत ही व्यापक है। इसे किसी भी तरह संहिता के प्रावधानों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वे संहिता द्वारा न्यायालय को प्रदत्त विशेष शक्ति के अतिरिक्त है और अदालत इसका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय को प्राप्त विशेष प्रदत्त शक्ति के प्रयोग की अपनी एकमात्र सीमा है कि वे अस्पष्ट रूप से प्रदत्त किए गए हों, वे विशेष विषय को पूरी तरह से कवर करते हों और विधायिका के इरादे के विपरीत ना। निहित शक्ति का प्रयोग किया जाता है जब विशिष्ट प्रावधान मामले की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते। अंतर निहित शक्तियां न्यायालय को प्रदान नहीं की गई है, यह अदालत में ही निहित एक शक्ति है जो पक्षकारों के बीच न्याय करने के अपने कर्तव्य से उत्पन्न होता है। धारा 151 वहां लागू नहीं होता जहां कानून में उस स्थिति के लिए साफ स्पष्ट प्रावधान है। अदालत अंतरिम आदेश भी पारित करती है जो याचिकाकर्ता के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जब तक कि अधिकारों पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। यहां तक कि जहां यह कानून द्वारा प्रदान नहीं किया जाता, वहां भी न्यायालय को आदेश पारित करने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है। अतः धारा 151 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के पीछे पूर्ण न्याय का आशय प्रकट होता है। किसी भी धारा, किसी भी कानून और कोड में सारी परिस्थितियों के लिए प्रावधान का होना मुमकिन नहीं है, किंतु अंतर्निहित शक्तियां अदालत के अस्तित्व मात्र से ही उत्पन्न होती हैं, निर्मित होती हैं। आज का वीडियो इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।